हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेकंड चैप्टर इज द टॉकेटिव टॉर्टोइस। टॉकेटिव टॉर्टोइस मींस बातूनी कछुआ। द टॉकेटिव टॉर्टोइस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र। द पंचतंत्र मॉरल स्टोरीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शंस ऑफ एनिमल बेस्ड फेबल्स। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, ईच ऑफ दीज फेबल्स हैज एन एसोसिएटेड मॉरल। These stories are light, colorful, and provide valuable lessons that stay in children's minds forever. The Panchatantra was translated into many languages, including English, various Indian vernacular languages. Vernacular means regional, means local languages, Persian and Arabic also. Okay? ये जो story है हमारी पंचतंत्र से ली गई है, और पंचतंत्र में moral stories है mostly. और इसमें 365 स्टोरीज हैं पंचतंत्र में। और ये पंच मीन्स पांच, तंत्र पांच चीजों पे बेस्ड हैं। मुझे मित्र लाभा, मित्र लॉस्ट, कुछ ऐसे करके पांच इसके टॉपिक्स हैं। और इनके सारे जो करेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, एनिमल्स पे, एनिमल बेस्ड है, मतलब एनिमल्स हैं सारे के सारे। और ये स्टोरीज बहुत ही लाइट और कलरफुल, इसकी जो पिक्चर्स होती हैं बड़ी कलरफुल होती हैं, और बच्चों को विजुअल देख के याद ज्यादा याद रहता है ना, देख के ज्यादा याद रहता है। और ये जो है ट्रांसलेशन हुई है पंचतंत्र की बहुत सारी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें, और पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में भी इसकी ट्रांसलेशन हो रखी है। यू शुड नो द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स। वर्स मीन्स वेरी बैड, बहुत बुरा। सजेस्टेड, गेव एन आइडिया, कोई आइडिया देना। कंफर्टेबली, इन अ कंफर्टेबल वे, आरामदायक तरीके से। रेस्टलेस, अनेबल टू स्टे स्टिल, टिक के ना बैठना। लेट स्टार्ट अवर स्टोरी। द टॉकेटिव टॉर्टॉइस मीन्स बातूनी कछुआ। इन अ फॉरेस्ट फार अवे देयर लिव्ड अ टॉर्टॉइस हु लव टू टॉक, बट नॉट ऑल एनिमल्स हैड द टाइम टू लिसन टू इट। मीन्स फार अवे इन अ जंगल देयर लिव्ड अ टॉर्टॉइस हु हैड अ बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। इट ट्राइज टू इंडल्ज इन टॉकिंग विद एवरी वन हुम सो एवर इट मीट्स, बट दे वर अवेयर ऑफ इट्स बैड हैबिट, सो दे ट्राई टू अवॉइड इट। जंगल में बहुत दूर एक कछुआ रहता था जिसको बातें करना बहुत पसंद था, तो वो सबसे बातें करने की कोशिश करता था, पर सब एनिमल्स उसे जानते थे, उन्हें पता था कि इसको बुरी आदत है बहुत ज्यादा बात करने की, तो वो उसको अवॉइड करते थे। इन दिस पिक्चर द टॉर्टॉइज इज सेइंग, इट इज वेरी हॉट, इजंट इट? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इट वॉज, ही ट्राइज टू टेल अ स्टोरी टू द रैबिट, बट द रैबिट नोज हिम वेरी वेल। ही सेज, सॉरी टॉर्टॉइज, आई हैव टू गो, आई विल हियर योर स्टोरी लेटर। एंड ही द रैबिट ट्राइज टू अवॉइड हिम। ही सेज दैट आई विल लिसन योर स्टोरी आफ्टरवर्ड्स, कि बाद में सुनूंगा। वो कोशिश करता है कछुआ उसको स्टोरी सुनाने की, पर वो कहता है मैं तुम्हारी कहानी जो है वो बाद में सुनूंगा, मुझे अभी जाना है। इट्स बेस्ट फ्रेंड्स वर टू गीज, दे सैट टूगेदर एंड चैटेड। द टॉर्टॉइज हैड टू बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे वर टू गीज। वंस दे वर टूगेदर वेन दे टॉर्टॉइज सेड that it was getting hotter and there was no rain and he wanted to know that when there will be rain. He said, isn't it getting hotter? Where is the rain? That's what I want to know. When will it rain? कहता है बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और बारिश नहीं हो रही है, कब होगी बारिश? ये जानना चाहता हूँ मैं। ये बातें कर रहे थे वो उसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो कि दो हंस उसके दोस्त थे, उनसे ये पूछ रहा था। द लॉन्ग समर वॉज वरिंग एवरी वन। एवरी वन वॉज वरीड एज द वॉटर ऑफ द लेक वॉज ड्राइंग अप। इट इज सो हॉट दैट द वॉटर इन द लेक इज ड्राइंग अप। वॉट इफ द लेक ड्राइज अप कंप्लीटली, वॉट विल द एनिमल्स डू? इन दिस पिक्चर द गीज आर टॉकिंग। वन सेज दैट इट्स वेरी हॉट एंड द वॉटर ऑफ द लेक इज ड्राइंग अप। सूख रहा है पानी गहरा लेक का। What will the animals do? अगर ये पानी सारा सूख जाएगा तो सारे एनिमल्स क्या करेंगे जो पानी में रहते हैं?
Soon the summer became worse. The big lake had hardly any water left. The animals started leaving the forest. Hardly any means no water. Okay. तो जल्दी ही जो समर थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब गर्मी जो थी गर्मी बहुत पड़ रही थी और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी. एंड द देर वॉज नो रेन सो द लेक ड्राइड अप एंड एनिमल्स स्टार्टेड टू लीव द फॉरेस्ट. डू यू नो सम एनिमल्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट द फॉरेस्ट. द टॉर्टोइस सेड दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव लेफ्ट द फॉरेस्ट. I think we should leave. So geese said that they should also leave. वो कहते हैं आपस में बात करते हैं कि बारिश हो नहीं रही है, पानी है नहीं, तो ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो छोड़ गए हैं जंगल को. तो टॉर्टोइस कहता है कि ज्यादातर एनिमल्स वो बताता है कि छोड़ गए हैं. तो geese कहते हैं कि हाँ हमें भी जाना चाहिए, यहाँ से पानी के पास जाना चाहिए. So they suggested it to the tortoise. Come with us, tortoise. Let's fly to a lake far away. It is still full of water and we can live there comfortably. This gave an idea to the tortoise that it should go with the geese where there is a lot of water, where there is a lake full of water and that is very far away and they will live there comfortably in aram se reh sakenge wo wahan pe jahan pe bahut sara pani hai aur टॉर्टोइस को उनके साथ जाना चाहिए जो लेक जो है पानी से भरी हुई है. हाउ कैन आई गो एनी वेयर, इट्स ईजी फॉर यू, यू कैन फ्लैप योर विंग्स एंड फ्लाई अवे. एज द टॉर्टोइस वॉज नॉट अ बर्ड एंड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, ही सेड दैट ही कांट गो एनी वेयर बिकॉज ही वॉज नॉट अ बर्ड. ही सेड दैट यू आर बर्ड एंड यू कैन फ्लाई एनी वेयर. द गी सेड there has to be a way to take you with us. They were thinking of an idea to take tortoise with them. वो सोचते हैं कि वो उसे कहीं ना कैसे भी लेके जा सकते हैं because they are its best friends. And you know where there is a will, there is a way. जब कोई इंसान चाहता है कुछ करना तो उसके लिए रास्ता मिल ही जाता है. तो So they thought about it and found a way. उन्होंने सोचा इस बारे में और उन्हें एक रास्ता मिल गया. We have thought a plan. They made a plan. We'll get a stick and hold it from the ends. All you have to do is to hold on to this stick in the middle. With your mouth, we will carry you to our new home. They gave an idea to the tortoise that we'll hold a stick in our mouth and you will hold it from the middle and they will carry that stick in their mouth and fly with the tortoise. वो कहते हैं कि हमें एक आइडिया मिल गया है, हम एक स्टिक पकड़ेंगे दोनों तरफ से, दोनों गीज जो हैं अलग अलग दोनों साइड से स्टिक पकड़ लेंगे और बीच में से टॉर्टॉइस पकड़ लेगा और वो उसको लेके उड़ जाएंगे. The next day they were ready to leave. Now they are ready to leave. They brought a stick with them and hold it in their mouth. And they said to the tortoise, hold on tight and remember you must not open your mouth. That it should hold it very tightly and should not talk at all. Because they were aware of its bad habit of talking a lot. वो कहते हैं कि तुम इसको अच्छे से टाइटली पकड़ना और मुंह नहीं खोलना है, तुमने बात नहीं करनी है. द टॉर्टोइस सेड आई प्रॉमिस टू स्टे साइलेंट, मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा. एंड सो दे सेट आउट, मीन्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी, दे स्टार्टेड फ्लाइंग विद द टॉर्टोइस विद देम. एज दे फ्लू दे क्रॉस्ड अ विलेज. व्हाइल फ्लाइंग फॉर देयर डेस्टिनेशन दे वर फ्लाइंग ओवर अ विलेज. But look a flying tortoise. The tortoise looks funny. People of the village were surprised to see this uncommon, unusual sight. They started talking about it. लोगों ने ऐसी देखी नहीं थी sight कभी, ऐसा scene कभी देखा नहीं था कि geese जो हैं stick से वो कछुए को उठा के लेके जा रहे हैं. They started talking. वो आपस में बातें करने लगे. Look a flying tortoise. देखो उड़ता हुआ tortoise. The tortoise looks funny. कैसा लग रहा है ये tortoise?
tortoise heard the noise and got restless. The tortoise heard them talking and it was unable to stay still. It thought of saying something. As soon as it opened its mouth, it lost its hold on the stick and fell down and died. अब टॉर्टोइस ने उनकी बातें सुनी, अब वो भी बातूनी था, उससे लगा कि अब मैं कुछ कहूँ इस बारे में, तो जैसे उसने अपना मुंह खोला, he said what, what बोला और मुंह से उसके स्टिक छूट गई और उसका होल्ड भी छूट गया जो उसने पकड़ी हुई थी स्टिक अपने मुंह से, मुंह खुल गया और वो गिर गया और मर गया। एंड ही शुड नॉट हैव ओपन्ड हिज माउथ, ओ द पुअर टॉर्टोइस। नाउ द गीज वर हेल्पलेस, दे ग्रीव्ड अपॉन द डेथ ऑफ देयर फ्रेंड। दे सेड दैट ही शुड नॉट हैव ओपन्ड हिज माउथ, मुंह नहीं खोलना चाहिए था उसे, ओ द पुअर टॉर्टोइस, बेचारा टॉर्टोइस। This is the end of our story. And what is the moral of the story? What do you think? Moral of the story is that we should overcome our bad habits. We should listen to our well-wisher. What do they say? Okay? And behave accordingly. Have a good day. Thanks for watching my video and subscribe it, please.